हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन गट्टे की सब्जी। इसके ये है इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम लेंगे हाफ बाउल बेसन, हाफ बाउल कर्ड और ये है अब इसके मसाले, नमक, अजवाइन, सौंफ, जीरा, राई, मस्टर्ड सीड्स, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया, इसके लिए ऑयल है, हींग है और ये 1 टीस्पून छोटी स्पून से बेकिंग सोडा। गाइस, हम सबसे पहले बेसन गट्टे के लिए लगाएंगे डो। अब बेसन में हम क्या क्या डालने वाले हैं मसाले, सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची, ये थोड़ी सी 1 टीस्पून सौंफ है, वन टीस्पून अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून से भी कम, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा कर्ड और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ये गीला ना हो, थोड़ा पानी और थोड़ा कर्ड डालेंगे और इसी तरीके से हम इसको मिलाते जाएंगे। देखिए डो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है सभी इंग्रेडिएंट्स में। हल्का सा तेल लेंगे हाथ में और इसको अच्छे से गूंथेंगे। डो लग के हमारा पूरा तैयार हो चुका है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं और सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म होता है उसके बाद हम लोई बेलेंगे। पानी गर्म हमने रख दिया है, जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम इसकी लंबी लंबी बेले बनाएंगे। इस तरीके से छोटी 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 हम इसकी बेले बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम सभी बेले बना के तैयार करेंगे और पानी को, गर्म पानी को हम चढ़ने देंगे हाई फ्लेम पे। पानी अच्छे से उबलेगा उसके बाद हम इसे पानी में डाल देंगे। गाइस देखिए, ये सारी बेले बन के तैयार हो चुकी है अब, और इतने में हमारा पानी भी उबल चुका है और हम एक एक करके उसको पानी में डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे तब तक ये उबले। ये सब डालकर अब हम इसकी गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से उबालेंगे जब तक उबल उबल के ये ऊपर तक नहीं आ जाते। इस बीच में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। उबलने तक हम इसको पकाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अंदर तक पका है या नहीं? जब तक ये उबल उबल के ऊपर आएगा और एक भी नीचे नहीं रहेगा तले पे, तब हम ये देख लेंगे और इसको एक निकाल करके कट करके देखेंगे। अगर ये इजी कट होता है तो ये पक चुका है। एक निकाल के हमने देखा है, अब हम इसको चेक करेंगे ये पता है नहीं। देखिए दोस्तों, ये पक चुका है और ये इजीली कट रहा है और अंदर से सिक चुका है। इसी तरीके से हम गैस ऑफ करेंगे। गैस ऑफ कर दिया है और अब हम इसको सबको निकाल लेंगे। और सभी को हम कट करेंगे। थोड़ा पानी ज्यादा है तो हम पानी को फिर से उसी में डाल देंगे ताकि हमें इजी रहेगा कट करने में। गाइस, हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं और ग्रेवी में यूज ले लेंगे। थोड़ा पानी फेंक सकते हैं और थोड़ा हम यूज ले सकते हैं, सारा पानी नहीं लेना है क्योंकि हमें थोड़ा दही भी ऐड करना है।
गाइस अब हम इसको पकाएंगे। गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। थ्री टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और ये मैंने दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई पहले से काट ली थी, ये हम उसमें डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी हम पहले डाल चुके थे गट्टे में। फ्लेम को लो रखेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे हम इसमें और दही डाल के तीन शेप में हम इसमें नमक डाल देंगे। वन टीस्पून, एक और स्पून और इसको मिक्स करेंगे ताकि ये फटे ना। और इसी तरीके से हम इसे एक ही साइड हिलाते जाएंगे। सब चीजें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची हम डालेंगे, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कम ज्यादा भी इसे कर सकते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। अब ये गड्ढे जो है ये मैं इसमें ऐड करूंगी पानी के साथ। अब हम देखेंगे कि इसमें ग्रेवी अच्छी है। अगर आपको लगे कम है, जोर इसका कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर सकते हैं, पानी में ऐड ना करें, ऑनली कर्ड इसमें ऐड करें। वन टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, बस वन टीस्पून इनफ है। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाली नहीं आती। गाइस अब इसमें उबाली अच्छे से आ चुकी है और हमारे बेसन गट्टे उबल उबल कर ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। गाइस ये हमारे बेसन गट्टे बनके तैयार हो चुके हैं और गार्निश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा धनिया कटा हुआ बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं। देखिए प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।